एक बार एक विदेशी यात्री भारत घूमने आया और टैक्सी करके पास के एक होटल पहुंचा। जैसे ही वो होटल में चेक इन कर रहा था, उसे पता लगा कि उसका पर्स टैक्सी में रह गया। उसने होटल वालों को कहा कि प्लीज आप टैक्सी वाले से कॉन्टैक्ट करिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास टैक्सी वालों के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। उसने भी बहुत कोशिश करी, लेकिन टैक्सी वाले का कहीं पता नहीं लगा। वो पूरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उसका क्रेडिट कार्ड, उसके आइडेंटिटी कार्ड सब पर्स के अंदर थे। लेकिन 2 घंटे बाद वो टैक्सी वाला आया और उसने उस विदेशी यात्री को उसका पर्स थमा दिया। विदेशी यात्री ने खुश होकर उसे $70 देने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद जो टैक्सी वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। टैक्सी वाले ने कहा कि इस रिवॉर्ड के लिए मैंने आपको आपका पर्स वापस नहीं किया है, मैंने आपको आपका पर्स इसलिए वापस किया है क्योंकि ये आपका है। अतिथि देवो भव की भावना को साकार करने वाले उस टैक्सी वाले को मेरा सलाम। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए, इसमें आता है US, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, UK और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पर जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।